हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। अगर आप बीटा टेस्टर हैं MIUI 10 ग्लोबल पब्लिक बीटा के, ठीक है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि चेंज लॉग का जो प्रीव्यू है वो मार्केट में आउट हो गया, यानी कि mi.com पे आउट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम 8/12/20, यानी कि 20 तारीख 12वां महीना और 2018 का जो अपडेट है ये आ चुका है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि बीटा में जो क्लोज बीटा रोम आता है वो Note 5 के लिए रिलीज़ नहीं हुआ है अभी तक, तो शायद अब ना हो या हो भी सकता है। और इससे चांसेस जो है कम हो जाते हैं कि बीटा का जो पब्लिक बीटा वर्जन होगा वो Note 5 के लिए आएगा या नहीं आएगा, बट चांसेस हैं कि आ जाएगा। कुछ बग होंगे उसमें, इसीलिए वो रिलीज़ नहीं हुआ है, जिसको कि वो लोग फिक्स कर देंगे। तो ये चेंज लॉग प्रीव्यू है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी कुछ फीचर्स ज़रूर होंगे जो यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए हैं, सरप्राइज़ के लिए छोड़ दिए गए हैं। और बग्स क्या क्या मिले हैं इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तो जब मैं कल रोम इंस्टॉल करूँगा, कल या परसों जब भी मुझे मिलेगा, जब मैं उसे इंस्टॉल करूँगा उसके बाद ही मैं आपको रिव्यू दे पाऊँगा। और कल से मैं थोड़ा ट्रैवल पे निकल रहा हूँ, तो कल परसों मैं आउट हूँ, तो शायद ही परसों वीडियो आ पाए, बट मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी घर वापस आ जाऊँ और वीडियो बना दूँ। तो रिव्यू की वीडियो तो कन्फर्म आएगी, फिर चाहे वो परसों रात में 12 बजे तक आए या फिर परसों सुबह में 10 बजे तक आए। खैर, बात करते हैं अपडेट की कि क्या कुछ हमें मिला है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि इन्होंने बताया है, कुछ नए फीचर्स तो नहीं, मोस्टली जो है फिक्सेस ही हुए हैं। फिक्स्ड ऐप नेम्स वियर ट्रंकेटेड व्हेन टेक्स्ट साइज वाज सेट टू लार्ज। तो जब लार्ज किया जाता था टेक्स्ट का साइज आइकन वगैरह, तो ऐप का नाम जो है वो बड़ा छोटा हो जाता था, उसको फिक्स किया गया है। फिक्स ए ब्लैंक प्रॉम्प्ट अपीयर्स इन लैंडस्केप मोड व्हेन फुल स्क्रीन गेस्चर वियर टर्न्ड ऑन। तो फुल स्क्रीन गेस्चर ऑन करने के बाद फ़ोन को लैंडस्केप मोड में इनेबल किया जाता था, तो कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन जो है ब्लैक होता था, उसको फिक्स किया गया है। उसके बाद यहाँ पर है ब्लॉक मेड्यूल, हाँ, फुल स्क्रीन ऑप्शन। उसके बाद है ऑप्टिमाइज़ किया गया है, डे ऑफ द वीक इज़ नाउ डिस्प्ले इन द स्टेटस बार व्हेन द डिवाइस इज़ लैंडस्केप मोड। तो ये क्या है मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर अभी आप देखोगे कि वेडनेसडे लिखा हुआ आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब मान लो मैं PUBG ओपन करता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है आपको वेडनेसडे कहीं पे नहीं दिखेगा। तो अगले अपडेट में जो है बीटा के आपको वेडनेसडे भी दिखने लगेगा। वैसे इसमें जो है स्टेबल अपडेट मेरे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, Note 5 प्रो में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे और क्या मिला, ये चीज़ फिक्स किया गया है। उसके बाद कूडेंट मैनेज फेस डेटा इन सम केस Mi Max 3। तो फेस डेटा वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा था कुछ डिवाइसेस में, यहाँ पर Mi Max 3 का नाम लिखा गया है, बट बहुत सारे डिवाइसेस में ये बग है और बहुत लोगों ने मुझे भी कंप्लेन किया है इस बारे में। तो एक्चुअली आप क्या करो, रीजन में जा करके ना उसको इंडिया या एशिया चुन लो, ठीक है, वो फिक्स हो जाएगा। और एक बात बता दूँ, बहुत सारे लोगों का ऐसा करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो पता नहीं शाओमी कब तक उसको जो है फिक्स करेगा। इसके अलावा है फिक्स्ड लॉक स्क्रीन शोज ब्लैंक Redmi Note 5 Pro। तो Redmi Note 5 Pro में ब्लैंक शो कर रहा था, उसको फिक्स किया गया है। इसके अलावा एक और चीज़ मिलने वाली है कि अगर आप ऐसे जो वॉलपेपर पे हो, यहाँ पे आपका जो वॉलपेपर आता है, तो इसमें वॉलपेपर में लाइव वॉलपेपर टाइप आने लगेगा, और उसमें जो है जो भी पिक्चर्स आएंगे उस पिक्चर से रिगार्डिंग समथिंग, कोई भी बात, जैसे शेर की फ़ोटो आई तो शेर के बारे में कोई भी बात जो है वहाँ पे मेंशन रहेगी, ये आपको देखने को मिलेगा जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर देखो, प्लीज़ प्लीज़ ब्रिंग 60 FPS 1080p 4K टू कैपेबल डिवाइस इन Mi Max 3। ओके, तो और जो है और कुछ आपको इसमें यहाँ पर नहीं मिलने वाला, 5 वोल्टी प्रॉब्लम फिक्स। जो भी है देखते हैं क्या मिलता है हमें और क्या नहीं मिलता है। इसके अलावा क्या कुछ बग्स देखने को मिलते हैं वो तो पता चलेगा तब जब अपडेट आएगा। तो अपडेट जो है वो कल रात से ही रॉम फाइल लीक होना चालू हो जाएगी, और कल रात में मिल जाए तो मिल जाए, वरना परसों दोपहर तक तो कंफर्म आपको अपडेट वगैरह सब कुछ जो है मिल जाएगा आपके अपडेटर ऐप में, अगर आप ऑलरेडी एक बीटा टेस्टर हो। और अगर बीटा टेस्टर नहीं हो और आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो बहुत ही तरीका सिंपल है। यहाँ अबाउट फोन में जाना है, सिस्टम अपडेट में जाना है, ठीक है, यहाँ पे चूज़ अपडेट पैकेज पे क्लिक करना है, और वो जो रॉम फाइल मैं दूंगा उसको ओके करना है, और यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इजीली आप इंस्टॉल कर लोगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी को दबाइए ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। और साथ ही साथ यार देखो, 88,757 हो गया है, तो जल्दी जल्दी लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, और जल्दी से यार 90 तो करो पहले, इस मंथ में 90 पार हो जाना चाहिए। बाकी आप लोग देख लो, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि आप व्हाट्सएप पे भी हमसे जुड़े रहें, क्योंकि यूट्यूब पे हमेशा वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं जाती है, तो नोटिफिकेशन मिस ना करनी हो तो व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लें।